वो क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आते रहते हैं। अब क्योंकि एग्जाम आ रहा है, फिर कल किसी एग्जाम है, किसी परसों एग्जाम है, तो उसी के हिसाब से मैं क्या कर रहा हूँ, आपको ये डाटा सबमिट कर रहा हूँ। जैसे डांस, डांस जो है उसमें ध्यान रखना प्लीज, आंध्र प्रदेश अगर आप रखते हो, आंध्र प्रदेश को सबसे पहले ऊपर रखते हैं एबीसीडी के हिसाब से, तो आंध्र प्रदेश में बहुत सारे डांस फॉर्म हैं। जैसे कि एक डांस फॉर्म है वहां पर कुंभी, ठीक है, एक डांस फॉर्म है वहां पर कौन सा आपका, गंडा घंटा, घंटा मृदल, ठीक है, एक डांस फॉर्म है वहां पर आपका तपेटा, तपेटा करके है, तपेटा, तपेटा गुल्लू, ठीक है, तपेटा गुल्लू जो है ये एक डांस फॉर्म है। प्लीज ध्यान से देखो, स्टैटिक पोर्शन थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान से सुनना। उसके बाद सर, क्या हुआ, अच्छा एक बात ध्यान रखना, कुंभी जो डांस फॉर्म है ये तमिलनाडु में भी फॉलो होता है, और ये बात ध्यान रखना तमिलनाडु में ये फॉलो होता है। साथ ही साथ इसको सिर्फ और सिर्फ कौन, वुमेन परफॉर्म करती हैं, औरतों का डांस है ये, ठीक है, एक सर्कल बना करके और डांस करती हैं, क्लैप करती हैं ना, हमारे हिब्रा में नाचे मोर, ऐसा नहीं मतलब मजाक कर रहा हूँ। उसके बाद एक सर्कल बना के डांस करती हैं, सही है, एक डांस फॉर्म है जिसका नाम है क्या, गोम्भी, गोभी। ये जो डांस फॉर्म है आंध्र प्रदेश के अंदर, ये डांस फॉर्म क्या करता है बेसिकली, ये फेस्टिवल है, सारे घर के अंदर ये सारे घर को बढ़िया से सजा वजा करके बहुत ही अच्छे से क्या करते हैं, इसको परफॉर्म किया जाता है। क्लियर है बात यहाँ पर, कोई दिक्कत भाई यहाँ पे। ऐसे ही एक और डांस फॉर्म है जिसका नाम है क्या, लंबडी, लंबडी करके एक डांस फॉर्म है, ये भी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश के अंदर ही परफॉर्म किया जाता है। तो ये डांस फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार 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 क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। आंध्र प्रदेश का एक क्लासिकल डांस है, क्लासिकल डांस कौन सा है भाई, क्लासिकल डांस आंध्र प्रदेश का बताओ फटाफट, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस कौन सा है, बोलो जरा, याद रखना कौन सा, याद ही नहीं होगा तुम में से किसी आदो को, तो कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है, ठीक है, याद रखना प्लीज। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, अब आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि भाई कुचिपुड़ी के अंदर कोई बड़े नाम बताओ जो इस डांस को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। क्लियर है बात यहाँ पर, कोई ऐसे नाम एक्सपोनेंट, बताओ क्या जी, एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट मतलब क्या बोल गए मुझे, नहीं सर, तो बोल लेते, अच्छा मतलब हाँ वही एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट, अरे वर्ड, बेहतरीन लोग, ठीक है। कुचिपुड़ी के अंदर आपको कुछ नाम जो है याद होने चाहिए, पेपर में आते हैं, याद रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है यामिनी, यामिनी वो डांगोनी फिल्म स्टार यामिनी नहीं, फेयर एंड लवली वाली, ठीक है ना, यामिनी जी, ठीक है, यामिनी कृष्ण मूर्ति जो है वो एक बड़ा नाम है इसके अंदर। उसके बाद इसी के अंदर बड़ा नाम आता है कौन सा आपका, पद्म भूषण मिला है एक नाम है,
कौन सा भाई बोलो, किसी को पता? वेम्पत्ति चेन्नई, चेन्नई वेम्पत्ति चेन्नई चेन्नई। इनको 1988 में क्या दिया गया था? पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, उसके बाद इसमें एक नाम आता है राधा रेड्डी। उसके बाद इसके अंदर एक नाम आता है आपका क्या? शोभा नायडू। ठीक है, उसके बाद इसमें एक नाम आता है कौन सा आपका? पदम झा रेड्डी। ये सारे के सारे जो डांसर हैं ये किससे रिलेटेड है भाई आपके? किससे रिलेटेड है बच्चों? ये रिलेटेड है आपका सॉरी कुचिपुड़ी डांस है। अच्छा एक बात और प्लीज ध्यान रखना, कुचिपुड़ी की बात हो रही है, आंध्र प्रदेश की बात हो रही है, तो प्लीज दिमाग में रखना आंध्र प्रदेश की जो लैंग्वेज है वो एक क्लासिकल लैंग्वेज भी कंसिडर होती है। कोई बताएगा मुझे आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है भाई? आंध्र प्रदेश के अंदर कौन सी भाषा बोली जाती है? तेलुगु। और तेलुगु जो है वो क्या है? एक क्लासिकल लैंग्वेज है, और उसको 2008 में क्लासिकल लैंग्वेज का क्या दिया गया? दर्जा दिया गया था। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलो भाई। अच्छा आगे देखो, आंध्र प्रदेश के अंदर ही फेस्टिवल मनाए जाते हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट। उसमें से जो सबसे फेमस और सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है वो कौन सा है? वहां पे एक फेस्टिवल मनाया जाता है फ्लेमिंगो। कौन सा? फ्लेमिंगो। एक फेस्टिवल और मनाया जाता है जिसका नाम है दुर्गम्मा। ठीक है, एक फेस्टिवल और मनाया जाता है जिसका नाम है क्या? यलम जातर। जात्रा। ये कुछ एक फेस्टिवल है जो वहां पर क्या होते हैं? मनाए जाते हैं। तो हो सकता है कि आपसे पूछ ले, प्लीज ध्यान रखना। अच्छा और ध्यान दो, आंध्र प्रदेश में जब न्यू ईयर आता है, आंध्र प्रदेश में जब न्यू ईयर आता है तो उस न्यू ईयर को बोला जाता है क्या? उगदी। मार्च से अप्रैल वाले सिनेरियो में ये मनाया जाता है, प्लीज ध्यान रखना। क्लियर है बात भाई? यहाँ पे किसी को यहाँ पे कोई डाउट बोलो। सर लोसर नहीं कहा जाता उसे? अच्छा नहीं, लोसर उसे मतलब यहां पे आंध्र प्रदेश में उसे लोसर नहीं कहते हैं। हाँ लोसर कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश में, और आपका क्या लद्दाख में लोसर कहते हैं। ठीक है, ओके ओके। आंध्र प्रदेश के अंदर ही कुछ एक टेम्पल्स हैं, उन्हें भी देखो प्लीज। अगर हम टेम्पल्स की बात करते हैं आंध्र प्रदेश के अंदर, तो आंध्र प्रदेश में एक टेम्पल है भगवान वेंकटेश्वर का। किसका? वेंकटेश्वर का, वानी वारी वारी टेम्पल। और याद रखना ये टेम्पल कहाँ पर है, इस टेम्पल को बनवाया किसने था? याद रखना इसको बनवाया था विजयनगर एम्पायर के कौन? कृष्ण देव रॉय ने। पेपर में क्वेश्चन आता रहता है ना कि भाई किसने कौन सा टेम्पल बनवाया, ऐसे एक टेम्पल और है वहां पर जिसका नाम है
अहोम बिला बिलम टेम्पल। और ये टेम्पल जो है बनवाया किसने? चालुक्य डायनेस्टी ने। ठीक है, चालुक्य डायनेस्टी द्वारा ये टेम्पल बनवाया गया था, याद रखना प्लीज। और यहाँ पर फेमस टेम्पल की अगर हम बात करें तो याद रखना एक टेम्पल और है यहाँ पर, उसका नाम है क्या आपका? लेपची टेम्पल। ठीक है, एक टेम्पल और मैं और है मंगलगिरी टेम्पल या मंगलागिरी टेम्पल। ठीक है भाई, आंध्र प्रदेश में जो मूल रूप से लोग कपड़े पहनते हैं वो पहनते हैं धोती, ठीक है याद रखना, और जो औरतें पहनती हैं वो साड़ी पहनती हैं ज्यादातर, मतलब ज्यादातर बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसा नहीं है कि मतलब यही सच होगा, बट ज्यादातर जो ड्रेस फॉर्म है आ जाता है कई बार कि पोशाक कहाँ पहनी जाती है। ठीक है भाई, अच्छा आंध्र प्रदेश में एक पेंटिंग का तरीका बहुत फेमस है, ठीक है पेंटिंग का तरीका बहुत फेमस है, कौन सा याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये पेंटिंग का तरीका होता है जिसको बोलते हैं क्या? कला मकरी, कलाम करी जो है वहां की बहुत फेमस क्या है? पेंटिंग है, पेंट आर्ट है, इंपॉर्टेंट है याद रखना प्लीज, कोई दिक्कत? बोलो भाई, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछो। ठीक है, अच्छा आंध्र प्रदेश के अंदर दो नेशनल पार्क हैं, नेशनल पार्क दो, कौन कौन से कोई बताएगा मेरे को? एनीवन? बोलो। नेशनल पार्क नहीं है अभी शायद, वो है ना यहाँ पे क्या नाम है इसका, सॉरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हाँ भाई, आंध्र प्रदेश में नेशनल पार्क कहाँ है? हाँ है ना, दो है, सॉरी एक है आपका, कौन? दो नहीं तीन है, कौन कौन से? एक है आपका राजीव गांधी नेशनल पार्क, दूसरा है आपका पापी कोंडा नेशनल पार्क, और तीसरा है आपका वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। तो तीन नेशनल पार्क हैं, पापी घोड़ा बना था 2008 में, राजीव गांधी बना था 2005 में, और वेंकटेश्वर बना था आपका 1989 में, ध्यान रखना प्लीज, क्लियर है? अच्छा एक बात याद रखना, नेशनल पार्क के अंदर किसी भी तरीके की ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है। ठीक है भाई, किसी भी तरीके की ह्यूमन एक्टिविटी नेशनल पार्क में क्या नहीं होती? अलाउ नहीं होती है, प्लीज ध्यान रखना। कोई दिक्कत यहाँ पे? बोलो भाई, चले आगे, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछो। बोलो यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो, या कोई भी बात जो समझ में ना आई हो।
और क्या रह गया? मैं आंध्र प्रदेश के सिनेरियो में एकदम कंप्लीट करवा दूंगा। आंध्र प्रदेश से कोई क्वेश्चन अगर आ गया स्टैटिक जीके में तो मतलब फिर तुम कर ही दो, फिर मत पीछे हटो बिल्कुल भी। मैं यहां तक मैं पूछ रहा हूँ, हाँ ना तो बोल दो यार, ऐसे क्या शांत बैठे हुए तुम लोग। यस सर, क्लियर है सभी को? यस सर। चलो और अच्छा, और एक और जो चीज हो सकती है आंध्र प्रदेश से रिलेटेड, क्या रह गया इसमें? एक और चीज जो मिस हो रही थी आंध्र प्रदेश से रिलेटेड, वो थी क्या? आंध्र प्रदेश को, आंध्र प्रदेश के अंदर एक लेक है जो बहुत फेमस है, नाम है उसका क्या? पुलिकट लेक। हालांकि एक बात अलग है कि पुलिकट लेक दो जगहों पर पड़ती है, 4% एरिया जो है, 4-5% एरिया जो है उसका आंध्र तमिलनाडु में भी पड़ता है, ठीक है? तो ये एक छोटा सा सिनेरियो है जो मिस हो रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा था। हाँ भाई, किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई चुभन, कोई घुटन, ऐसा कुछ भी, मतलब ऐसा ऐसे घबराहट सी हो रही हो कुछ ऐसा? आगे देखो और इसमें क्या क्या रहता है, कुछ कुछ और बातें। कल्चरल सिटी कहते हैं आंध्र प्रदेश के अंदर ये कल्चरल सिटी, कौन सी सिटी को कल्चरल सिटी कहते हैं लोग, कोई बताएगा? एक सिटी है जिसका नाम है राजमुर्दी, मुर्दी। आंध्र प्रदेश में ये, इसको कल्चरल सिटी कहते हैं। जबकि एक एक जगह है जिसका नाम है क्या, तिरुपति। और तिरुपति को क्या कहा जाता है? स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है? ध्यान रखना प्लीज ये बात। बोलो भाई, किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है क्या? अच्छा, आंध्र प्रदेश में एक पोर्ट भी पड़ता है, कौन सा? मछलीपट्टम पोर्ट। ये भी आंध्र प्रदेश में, ध्यान रखना प्लीज, कहीं गलती ना हो जाए, ठीक है? बोलो भाई। डन, अच्छा एक और बात ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश में कृष्णा रिवर है, गोदावरी रिवर भी है, तो वहां पर एक डैम बना हुआ है कृष्णा रिवर के ऊपर, डैम का नाम क्या है? श्री सैलम डैम। क्या नाम है? श्री सैलम डैम। याद रखना रिवर कौन सी है, कृष्णा रिवर है आंध्र प्रदेश। ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछो। पेंटिंग का नाम है कृष्णम। क्या 3 बोला था मैंने? क्या बोल रही है? एक रिवर और भी जाती है ना, गोदावरी भी तो जाती है ना। ठीक है भाई, चलो
इसी के साथ ना आंध्र प्रदेश मुझे लगता है आपका वाइंड अप हो गया। आंध्र प्रदेश से रिलेटेड कुछ आएगा 95।